आप देख रहे हैं मुंबई तक। मुंबई तक में सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिला है, यह पिछड़ा जिला है। पिछड़ा जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू है। इस संदर्भ में आप यहाँ की जनता से अपन बातचीत करेंगे, उनकी समस्या जान लेंगे। अपने साथ गढ़चिरोली शहर के गोकुल नगर एरिया में अपन अभी इस वक्त है, उनकी वहाँ की वासी है। अपने साथ उनको पूछेंगे क्या समस्या, क्या बताए। महाराष्ट्र राज्यामध्ये गडचिरोली जिल्हा सर्वात जास्त मोठा आहे क्षेत्रफळाच्या दृष्टिकोनाने। गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आजपर्यंत साधा रेल्वे गाडी आली नाही। एवढा मोठा जिल्हा असताना सुद्धा अजूनपर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक स्थिती कुठली परिस्थितीमध्ये चेंज झालेली नाही। एवढा गडचिरोली शहरामध्ये एवढा मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या आहे। विविध भागातून विविध राज्यातून बहुभाषीय लोक असलेला जिल्हा आहे। तरी साधा गडचिरोली शहर आता ज्या वार्डात आपण उभे आहोत त्या वार्डामध्ये साधा एक रोड नाही। घरकुलाच्या नावाखाली लोकांना मतांसाठी वापर केलेले आहेत। आजपर्यंत 90% लोकांना घरकुल मिळालं नाही। त्याच्या व्यतिरिक्त 1992 दारूबंदी झालेली आहे। 1992 पासून दारूबंदीपेक्षा म्हणजे दारू जेवढी जास्त अगोदर मिळत होती त्याच्यापेक्षाही बंदी झाल्यानंतर जास्त मिळायला लागली आहे। म्हणजे एकंदरीत दारूबंदीच्या नावाखाली म्हणजे कुठेतरी लोकांना बळी पाडणे हे कुठेतरी सरकार दिशाभूल करण्याचं काम या सर्वसामान्य नागरिकांचं करत आहे। दुसरा मुद्दा म्हणजे हे भाजप सरकार जेव्हापासून आलेली आहे कुठल्या ना कुठल्या जाती किंवा धर्माच्या नावाखाली लोकांना त्रास देण्याचं काम करत आहे। गौ सुरक्षेच्या नावाखाली मुस्लिम लोकांना मारणे किंवा धर्माच्या नावाखाली राम मंदिर बनवणे, इकडून तिकडून लोकांना दिशाभूल करणे, 15 लाख रुपये लोकांना देतो म्हणून असे लोकांना मूर्ख बनवणे, असे सातत्याने भाजप सरकार काम करून राहिले आणि याच्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यातले सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झालेले आहे आणि आम्ही निवडणुकीच्या माध्यमातून यांना योग्य तो धडा शिकवू आम्ही। आणि बहुत सारे वादे किए वादे पूरे होने पाए आपका कहना था। शिक्षक से जो शिक्षा आप पढ़ रहे हो तो कोई सुविधा इस सरकार ने इस 5 साल में कुछ किया है? इस 5 साल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। बहुत से युवा अभी बेरोजगार है। यहाँ पे कुछ संधि भी नहीं मिल रही है। बहुत से युवा पूरे बेरोजगार पड़े हुए हैं। इसलिए कोई अभी आके नई सुविधा दे इस 5 साल में, आगे आने वाले 5 साल में। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी यूथ हो, क्या रोजगार की संधि में प्राप्त हुई कि अभी तक? नहीं 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 हुई ना, सही बात नहीं। लेकिन अभी क्या हो रही नहीं ना कुछ भी, साल में देते देते बोलते कुछ दे रहे नहीं। शिक्षा से जुड़े जैसे अभी स्कॉलरशिप हो या अपने शिक्षा की जो फीस है उसमें कम हुआ क्या, स्कॉलरशिप मिली है या नहीं? नहीं मिली ना स्कॉलरशिप, देते बोलते लेकिन कुछ देते ही नहीं। स्कॉलरशिप मिलती मिलती करके बोलते देते ही नहीं। अपने साथ कुछ महिला भी है, महिला को भी पूछेंगे किस तरह का पानी की व्यवस्था हो या कुछ बिजली का हो, किस तरह का योजना में मिली है क्या आपको? नहीं कुछ भी नहीं, रास्ते भी नहीं, पानी की तो समस्या बहुत खराब है। धुपकाले में 2 गुण भी पानी अच्छे से नहीं आता। जिसके यहाँ आता है वो मोटर लगाता है, उसकी भी इंक्वायरी नहीं होती। तो हमारा ये है रास्ता करना, नाली की भी सुविधा जहाँ हुई वहाँ पानी बराबर बहता नहीं है। पानी के सीजन में पानी बहुत जमा रहता है, उससे मच्छर कॉलरा वगैरह की बीमारी होने की संभावना रहती है। 5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ हमारे एरिया में, आए भी नहीं, सिर्फ मतदान मांगने के लिए आते हैं, बाद में देखते नहीं। हो तो वो ध्यान देना चाहिए ना। और दारू की तो समस्या हमारे गोकुल नगर में बहुत है, कमाई कम और दारू बहुत। आदमी लोग घर में रहते हैं, बेचारी औरतें बाहर जाके काम करती है, ऐसी समस्या है गढ़चिरोली जिले में। तो दारू बंदी होना बहुत
जरूरी है वही तो ध्यान देना चाहिए। आप बताइए महिला से जुड़ा हुआ सुरक्षा के संदर्भ में क्या बात? महिला क्या मतलब लड़कियां वहां से आती वहां पे पान ठेले है वहां पे दारू खुलेआम दारू बिक रहा उनको कुछ सुरक्षा नहीं है रोड पे रह के लोग ये नशा पानी कर रहे कुछ हम बेकार हाल है और पानी की समस्या तो बताई है आंटी ने। इन 5 सालों में सरकार ने क्या विकास कुछ विकास नहीं हुआ इन 5 सालों में क्या विकास हुआ कुछ भी विकास देखो ना आप जो मांगे हैं आप मांगे क्या है अभी आप मांगे अभी यही है रोड रोड और पानी की समस्या या कुछ पानी की समस्या महंगाई बढ़ गई है महंगाई का कम करने को होना और सब्सिडी हो रही बताए गैस की वो सब्सिडी जमा नहीं हो रही टीवी सब पहले 400 में गैस मिलता था अभी 1200 में गैस मिल रहा और अभी ये चैनल का नया सॉन्ग लगा दिए गैस समस्या है बहुत सारी वो भी नहीं दे रहे। आप क्या कहना चाहोगे सरकार के बारे में इन 5 सालों में? मला हिंदी नहीं येत मराठी मराठी बोलिए चलता है पाहता महागाई खूप वाढलेली आहे महिलांवर खूप अत्याचार होत आहेत बेटी बचाओ बेटी पढाओ कुछ नहीं है ये सब ढोंग है उनका कोई नहीं है सब जनता के जो गरीब आदमी है उनको नहीं का ये क्या बोलते हैं उनको म्हणजे त्यांचा फायदा घेत आहेत ते गरीब लोकांचा फायदा घेत आहेत गरीब लोकांचा मत घ्या दोन दोन आता शेतीचे फार्म भरले लावले त्या शेतीमध्ये त्यांना 2000 रुपये देऊन जमा करून राहिले शेतीला ते शेतीचे 2000 त्यांच्या मताचे आहे ते मताचे आहे 2000 रुपये नंतर त्यांना 4000 रुपये मिळणारही नाही अशी समस्या आहे काही नाही आहे हे सगळे मोदी सरकारचा सोंग आहे कहीं कहीं मोदी सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए आपका ऐसा कहना अपने साथ कुछ युवा वर्ग है रुचि जी आप बताइए इन 5 सालों में क्या विकास हुआ या नहीं इस संदर्भ में क्या बोलोगे गढ़चू जिले में विकास फक्त आमदार आणि खासदारांचा झालेला आहे।